या उनके फैमिली वाले कुछ प्लान करें तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नहीं। अब इसमें भी एक नया फैशन आ गया है, फैशन क्या, हनीमून का नया फैशन, हनीमून के लिए नहीं उम्रे के लिए जाएंगे शादी पर। और ऐसा कंपलसरी कुछ जगह हो गया कि शादी के बाद आप कहाँ गए थे, तो ये बड़े हम यूरोप गए थे, क्या बेशरम है तुम, आप कहाँ गए थे, हम हरमैन घूम के, मतलब ये भी एक ट्रेंड अब नया चल पड़ा है, शादी के बाद उम्रा करके आ रहे। अरे भाई शादी के बाद उम्रा करो, तुम हज करो, वो मसला नहीं है, एज अ सिस्टम उसको पार्ट ऑफ मैरिज मत बना लो जैसा हो रहा है कि शादी से पहले ये तय हो रहा है उम्रे को ले जाना पड़ेगा आपको, मतलब एज सच हनीमून का ही कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन उम्रे की शक्ल में। ये सब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उम्रा की इबादत है, इंसान जब चाहे करे वो मसला नहीं, शादी की बात करे शादी से पहले करे, बच्चों के होने के बहुत मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को मत लीजिए वरना फिर एक नई बिदत आ जाएंगी। लेकिन एज सच मियाँ बीवी शादी के फ़ौरन बाद या शादी के बाद कभी भी प्लान करते घूमने फिरने जाने का शरई एतबार से उसमें मसला नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज को ले गए और बहुत सारे वाक़ात भी आते आपने ले गए, और जाहिर सी बात है जब औरत साथ जाएंगी तो मियाँ के साथ रहेंगी तो चीज़ों को देखेंगी, सफ़र से इंसान में तब्दीली आती है, ख्यालात रोशन होते हैं, इल्म में इजाफा होता है, नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं और इंसान वसी हो जाता है। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने शहर में होते हैं तो दीन के मामले में उतनी वसत नहीं होती दुनिया के मामले में, लेकिन जब गल्फ जाके आते तो उनके ख्यालात थोड़े वसी, क्यों, तो उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया के मुसलमानों को देखा, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को देखा, तो माइंड उनका ब्रॉड हो जाता है फिर, वरना पहले आमीन को बोल रहा तो चिढ़ते थे, वहाँ बोलते नहीं यार ये भी तरीका है बोलने दिया, समझ रहे हैं बात को, ब्रॉडनेस। हज को कोई जाके आ गया, इतने सारे मुस्लिम नेशनलिटीज़ को देखता है, मोर देन 100 मुस्लिम नेशनलिटीज़ वहाँ आती हैं, एक वसत पैदा होती है ना, सफ़र वसत पैदा कर रहा है, उसी करा है, तो बहरहाल इसके बहुत सारे फ़ायदे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हनीमून का कॉन्सेप्ट में नहीं, लेकिन बहरहाल घूमने जाना है बिल्कुल प्लान कर सकते और जा सकते।